श्री शिवाय मस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए पौष मास की पंचमी तिथि का विशेष उपाय ले रहे हैं, जो कि दिन सोमवार को आ रही है। हम आपको बता दें कि ये दिन बहुत ज्यादा विशेष है। एक तो यह साल का पहला दिन है और उस दिन सोमवार है, और उसी दिन ही बहुत लंबे समय के बाद सोमवार की पंचमी तिथि पर सौभाग्य और आयुष्मान योग का मिलन होगा, जो कि मध्या नक्षत्र में रहने वाला है। हम आपको बता दें कि यदि आप इस विशेष दिवस पर कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हो तो आपके घर में, आपके जीवन में हमेशा ही खुशियां बनी रहेंगी। तो आइए इस उपाय को आपने इस दिन अवश्य कर ही लेना। हमारे चैनल पर रोज 3 से 4 उपाय डालते हैं। आप अपनी समस्या तो कोई भी एक विशेष उपाय इस दिन अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए, इस उपाय को करने से आपको धन संपदा की प्राप्ति होगी। यदि आपके जीवन में सुख की कमी है, आपको लगता है कि आपके जीवन में वैभव की कमी है, तो आपने धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कर लेना है। साथ साथ में इस उपाय को उन लोगों ने अवश्य कर लें जिनकी कोई दुर्लभ कामना अधूरी है, उनकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से उनकी शीघ्र से शीघ्र कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें, हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिनको इस वीडियो की जरूरत है वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। तो आइए बिना किसी देर के इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी एक बेलपत्र की, जो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में आपको जरूरत होगी एक अक्षत के दाने की, जो यह भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक बूंद शहद से इस उपाय को करना है। इसके साथ ही आपको एक लोटा जल लेना है। कोशिश करनी कि तांबे के लोटे में जल भर ले तो सबसे उत्तम। यह एक 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 वाला उपाय है, यानी कि एक 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 सामग्री से ही आपका यह उपाय होगा। आपने एक चावल का दाना लेना है, एक अक्षत लेना है, एक आपने बेलपत्र लेना है, एक बूंद शहद के लिए लेनी है और एक ही लोटा जल लेना है। तो आपने इन सामग्री से इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने पहुंचाना है शिवालय। वहां पर सबसे पहले आपने यह जो बेल पत्र लिया है, आपने इसकी सेंटर वाली पत्ती के ऊपर आपने यह एक शहद की बिंदी लगा देनी है, और उसके बाद आपके पास जो यह एक अक्षत का दाना है आपने ठीक इसी शहद के ऊपर चिपका देना है। अब आपने इन सामग्री को आपने महादेव पर समर्पित करना है, और जब आपने महादेव पर यह पत्र आपने समर्पित करना है, तो आपने इसकी डंडी का भाग रख देना है जलाधारी की तरफ, और इसकी जो पत्ती का भाग होगा आपने शिवलिंग की तरफ कर देना है। और जब आपने यह पत्ती समर्पित करनी है, तब आपने सुरेश्वर महादेव का नाम लेना है। उसके बाद आपके पास जो यह एक लोटा जल होगा, आपने इसी बेल पत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना है। जब आपने ऐसा करना है, तब आपने महादेव से अपने जीवन की समस्या, नाम और गोत्र लेकर आपने कह देनी है। केवल इतना मात्र करने से आपके जीवन से कठिन काम भी बन जाएंगे, दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति होगी और वैभव की प्राप्ति होगी। जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवान मस्तुभ्याम लिखना ना भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोस बनाने के लिए। श्री शिवान मस्तुभ्याम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।